राजस्थान में कोरोना की थर्ड वेव दूसरी लहर से दोगुना रफ्तार से बढ़ रही है। तीसरी लहर में केस 4 दिन में डबल हो रहे थे, जबकि दूसरी वेव में केस 7 से 8 दिन में डबल हो रहे हैं। एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि दूसरी लहर की तुलना में इस बार ज्यादा मामले आने की आशंका है। तीसरी लहर का पीक जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह में आ सकता है। दूसरी लहर का पीक 1.5 से 2 महीने में आया था, जबकि थर्ड वेव का पीक 1 महीने में ही आ जाएगा। विशेषज्ञों ने पिछले 10 दिनों में आए केस के आधार पर इसका अनुमान लगाया है। दूसरी और तीसरी लहर के केस में एक स्टडी भी सामने आई है। दूसरी लहर में पीक से पहले केस लगातार बढ़ रहे थे, इस बीच पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ गई। फिर जब केस बढ़े तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा। तीसरी लहर में पिछले 10 दिन में केस बढ़ रहे हैं, यदि ऐसा ही ट्रेंड रहा तो कुछ ही दिनों में पीक सीजन आ जाएगा। तीसरी लहर के पीक के दौरान राज्य में प्रतिदिन कितने केस आएंगे इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। एक्सपर्ट का ये भी दावा है कि इस लहर में पहली और दूसरी लहर के मुकाबले लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ेगी। वहीं राजस्थान में कोरोना का ट्रेंड अब डराने लगा है। अब तक सिर्फ केस की ही संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब राज्य में रिकवरी रेट भी घटने लगी है। रिकवरी रेट घटने का मतलब है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। पिछले एक सप्ताह में रिकवरी रेट 2.5% कम हो गई है। 5 जनवरी को राजस्थान में रिकवरी रेट 98.94% था, 11 जनवरी को ये घटकर 86% हो गया। वहीं मार्च 2020 में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। धीरे धीरे मामले बढ़ते गए। पहली वेव का पीक आने में 9 महीने लगे। शुरुआत में कुछ केस आ रहे थे, लेकिन नवंबर आते आते इसका पीक आ गया। पहली वेव में जब पीक आया था तब एक दिन में सर्वाधिक 3,314 केस 24 नवंबर 2020 को आए थे।